राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार सह प्रभारी मंत्री आकांक्षी जिला कार्यक्रम रामगढ़ कुमारी प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत रामगढ़ में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने नीति आयोग द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में सुधार हेतु अलग अलग पैमानों पर किए जा रहे कार्यों एवं वर्तमान में रामगढ़ की अन्य जिलों की तुलना में रैंकिंग में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनरेगा अंतर्गत तालाबों के निर्माण, दिव्यांगों के लिए DDRC, जल जीवन मिशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में उप विकास आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। तो सुबह रिव्यू मीटिंग में हम लोगों ने लिया है नीति आयोग का कुछ मानक है। मानक के तौर पर जैसे एडुकेशन का एक डिपार्टमेंट, उसको रिव्यू करना है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर जो इरीगेशन हो और पीने का ड्रिंकिंग वाटर हो DWS उसका है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो उसी के ऊपर हम लोगों ने अच्छे तरीके से सबके साथ बात की, सब लोग थे। तो और भी हमारी तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इच्छा है वो सबके सामने हम लोगों ने रखे हैं। तो किसी जगह में काम कम होना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन उसको पकड़ के हमको आगे लेके जाना है। बहुत सारे चीज़ों में रामगढ़ अच्छी मानक प्राप्त किया है, एक दो इशू है और भी मैं आशा करती हूँ अगले 2-3 महीने में अच्छा काम करेगा और हम भी और भी खुल के बात करेंगे तो भी हमारा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को हम अच्छा डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर सकते हैं। न्यूज़ विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।